चलो छैया 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 चल छैया छैया छैया। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के घर बिल्लू खाल उत्तराखंड में। हम लोग के बस जो है अभी रिकनी खाल में उतर गई। अब देखो मैं अभी जो आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ वो इसके लिए बिकॉज मैं अभी छत पे बैठा हूँ, मतलब कार के छत पे बैठा हूँ, जीप है उसके छत पे बैठ के ये व्यू निकाल रहा हूँ गाइस। देख लो कितना मस्त व्यू है। उसको मैंने बोला हो भाई गाड़ी आराम से चलाना, ये गाड़ी है जिस पे मैं बैठा हूँ, ये सामने से व्यू जा रहा है क्योंकि अंदर से व्यू अच्छा नहीं आ रहा। यहाँ से व्यू निकाला ताकि आप लोग को पूरा मैं दिखा सकूँ। जगह है दोस्तों, अभी फिलहाल तो गर्मी नहीं है इतना, वो सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी टेम्परेचर जो है 18 डिग्री दिख रहा है, रात को गाइस 7 तक आ जाता है। हालांकि वही तो मज़ा है, वही तो मज़ा। इसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगा केदारनाथ जाने का सीन कैसे जा रहे हैं हम लोग। अभी फिलहाल प्लान यही का है। ये देखो मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ सूरज भी है। सूरज तो ऊपर बैठने का मकसद यही था कि अच्छा सा व्यू दिखता है। ये देख लो, अरे मेरे गांव में आए तो मैंने सोचा कि चलो इनको जरा छत में बैठाए और एंजॉय करें। हाँ एंजॉय करें भाई, गिरेगा तो गया फिर, बट भाई ऐसा कुछ नहीं। इसके साथ हो माँ का जिसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। देखोगे लोग ड्रोन, मेरे पास तो अभी है नहीं ड्रोन, तो यही ड्रोन है मेरा 360 डिग्री। ओ ये झाड़ आ गया था 360 डिग्री। कैमरा हिलता होगा तो कहीं उसके लिए माफ कर दो बिकॉज यू ऑल्सो नो ये स्टेबल ले पा रहा हूँ, मुझे पकड़ भी बना के रखनी है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा बैठ के जा रहा हूँ ऊपर बिकॉज आज तक मैं कभी ऐसा बैठ के नहीं है भाई ऊपर। देख लो गाइस क्या नज़ारा दिख रहा है, क्या नज़ारा है, ऑसम। ये देख लो मेरी माँ देखेगी ना, मेरा कॉलेज दिख रहा है वो देखेगी मेरे पहाड़ी के बीच में, उसका कॉलेज ऊपर भोले शंकर का मंदिर दूसरी पहाड़ी। अभी अपना कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर है बेस, 10 किलोमीटर जाना है गाइस। तो अभी फिलहाल के दोस्तों यही व्यू था, मैंने पूरा एक 5 मिनट का वीडियो आपको प्रॉपर दिखाऊंगा बिकॉज ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज नॉर्मल चीज़ है गाइस। आप लोगों ने 5 मिनट में आप लोग देख लोगे क्या है यहाँ पे। मतलब बेसिकली उत्तराखंड गाइस हमारे इंडिया का एक ऐसा पार्ट है, तो ये बेसिकली पहले उत्तर प्रदेश में मर्ज था बट कुछ रीज़न की वजह से उसको बोलते ना ये कर देने बांध देने, उत्तराखंड और यूपी दोनों अलग हो गए गाइस। वो रीज़न मैं देख लूँगा क्या है फिर वो आपको मैं डाल दूँगा इसमें। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि हमारा यही उत्तराखंड ही बचा है और ईस्ट रीजन बचे जहाँ पे पूरा ग्रीनरी, ग्रीनरी से मेरा मतलब है कि पहाड़ है। और यहाँ का पानी मैंने जब भी पिया ना दोस्तों, मैंने हर जगह का पानी पिया, मतलब मोस्टली सिटीज़ का मैं गया हूँ, पानी का टेस्ट काफ़ी अलग होता है, बट यहाँ का पानी जो है काफ़ी नेचुरल है और पूरा मीठा पानी है, मतलब आपको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए बाय। हाथ है ना गलत है।